हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 2, जो कि है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। सो बेसिकली ये पार्ट 1 का एक्सटेंडेड वर्जन है, और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रिंट एफ फंक्शन के कुछ यूज़, और आज हम पढ़ेंगे प्रिंट एफ फंक्शन का एक और यूज़ जो कि अप्लाई होता है सी लैंग्वेज में। ओके, सो आज हम ये सब प्रोग्राम के मदद से देखेंगे। सो मैं प्रोग्राम लिखता हूँ इसका। तो हैश इंक्लूड stdio.h, बेसिकली stdio.h हेडर फाइल है जिसके अंदर आपके डिफरेंट फंक्शंस पड़े हुए हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। ओके, एंड एक और हेडर फाइल बना रहा हूँ मैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच भी एक हेडर फाइल है जिसके अंदर आपके प्री डिफाइंड फंक्शन पड़े हुए हैं, जैसे कि गेट सी एच एंड सी क्लियर स्क्रीन। ओके, बेसिकली गेट सी एच क्या काम करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, ये है गेट सी एच का काम। बट जब आप कोई बोले कि गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, गेट सी एच फंक्शन करता है यूज़र से एक करेक्टर वैल्यू लेता है। ओके, तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, करता तो है, बट ये आपके सोचने के लिए सोचने का पावर है ये, कि मतलब कि आप सोचते हो कि वो आउटपुट स्क्रीन होल्ड करता है। बेसिकली गेट सी एच करता है, जैसे आप कोई कैरेक्टर वैल्यू दबाओगे तब वो गेट सी एच का काम ख़त्म होगा। ओके, सो मैं एक मेन फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड मेन। सो जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब हमने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बना रहा हूँ मैं, इंट ए। बेसिकली इंट क्या है, इंट आपका एक, ये इंट, इंट एक क्या है, डेटा टाइप। ओके, एंड ए क्या है, एक वेरिएबल जिसको मैंने वैल्यू डाल दी 7, एंड एक और वेरिएबल बनाया बी जिसकी वैल्यू डाल दी मैंने 3, और बाद में सेमी कॉलन लगा दिया। बेसिकली मैंने क्या किया, दो इंट नाम के वेरिएबल बनाए, उसमें मैं वैल्यू साइन कर चुका हूँ। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, प्रिंट एफ में प्रिंट एफ फंक्शन का एक यूज़ था, उसके डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। अब आज हम एक और चीज़ यूज़ पढ़ेंगे प्रिंट एफ फंक्शन का, जो कि है वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होता है। जैसे देखिए, मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, ए की वैल्यू क्या है, 7। मैं चाहता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे 7 प्रिंट हो, ए की वैल्यू प्रिंट हो, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, ए लिखूँ, सोचिए। सपोज करिए, चलो मैं इसको रन करके बताऊंगा पहले आपको। एक मैं लास्ट में बट गेट सी एच फंक्शन लगा देता हूँ, और मैं सी एल आर एस सी एल लगाता हूँ जो कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। इसमें मैंने सब लगा दिया, अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करने लगाऊँ। मैंने ए लिखा है डबल कोट्स के अंदर, ये देख लो। सो मैंने ए लिखा तो ए का ए प्रिंट हो गया वहाँ पे, बट देखिए मैं तो चाहता हूँ ए की वैल्यू प्रिंट हो 7। ओके, मैं तो चाहता हूँ 7 प्रिंट हो, क्या मैं यहाँ पे 7 लिखूँ, रन करके देखते हैं। 7 का 7 प्रिंट हो गया, हम जो चाहते हैं वो तो आ गया, बट अगर मैं ए की वैल्यू कर दूँ 9 तो क्या 9 प्रिंट होगा, नो, तो भी 7 ही प्रिंट होगा। बेसिकली हमने क्या किया, डबल कोट के अंदर 7 लिखा तो 7 ही प्रिंट होगा, हम चाहते हैं ए की वैल्यू प्रिंट हो। सो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम करेंगे यूज़ परसेंट डी कॉमा ए। देखिए क्या हुआ, ये परसेंट डी आपका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एंड ए क्या है, ये आपका एक वेरिएबल है। बेसिकली जब भी हमने एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी एंड डबल कोट्स बंद एंड ब्रैकेट ए। ओके, अब रन करके देखते हैं क्या ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 9, क्या 9 प्रिंट होता है, या 9 प्रिंट हो चुका है। देखिए मैंने रन किया कंट्रोल प्लस F9 से, रन करने का एक और तरीका आपको पता चल चुका है, 9 प्रिंट हो चुका है। ओके, अब मैं करता हूँ ए की वैल्यू 4, देखते हैं 4 प्रिंट होता है, जी हाँ 4 भी प्रिंट हो चुका है। सो ये चीज़ समझ आई, अब हम समझते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। ये मैं बना रहा हूँ कमेंट्स, कमेंट्स बेसिकली कोई आपका नया, कोई नया यूज़र कोई आपका प्रोग्राम देख रहा है उसको समझाने के लिए आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट
स्पेसिफायर, एंड इसमें हम देखेंगे बेसिकली एज ए बिगनर फॉर्मेट स्पेसिफायर आप चार तरीके के पढ़ेंगे, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी एंड परसेंट एल एफ। एंड मैं कमेंट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। बेसिकली परसेंट डी आपका यूज़ होता है इंटीजर वैल्यू के लिए, सो मैं इसके आगे लिख देता हूँ इंट। एंड परसेंट एफ आपका यूज़ होता है फ्लोट वैल्यू के लिए, मैं लिख देता हूँ फ्लोट। परसेंट डी आपका यूज, परसेंट सी आपका यूज़ होता है कैर वैल्यू के लिए, मैंने लिख दिया कैर। एंड परसेंट एल एफ आपका होता है डबल वैल्यू के लिए, आपको मैंने पीछे समझाया होगा ये डबल वैल्यू कौन सी होती है, परसेंट सी कौन सी होती है, ओके और वो कितनी मेमोरी भी लेती है, ये भी सब बताया हुआ मैंने आपके अपने पीछे की वीडियोस में, अगर आपको नहीं पता तो आप वो देख सकते हैं, ओके। सो मैंने क्या किया था, यहाँ पे इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया था ए, मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख लिया, ए परसेंट डी लिखा, देखिए इंट नाम का वेरिएबल बनाना चाहता था। सो नेक्स्ट हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो ए इक्वल टू फोर, जैसे ए की वैल्यू इस टाइम फोर है, ए इक्वल टू फोर, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा ए इक्वल टू फोर लिख दिया, ए इक्वल टू तो वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा, बट जो परसेंट डी है, परसेंट डी में क्या आएगा ए की वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। सो मैं इसको रन कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एफ नाइन, ए इक्वल टू फोर आ चुका है देखिए, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि आउटपुट स्क्रीन पे आए वैल्यू ऑफ ए इज फोर, सो ये कैसे आएगा देखते हैं हम कैसे आएगा, ये यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज, बेसिकली क्या हुआ डबल कोट से अंदर लिखा है वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ फोर प्रिंट हो उस वैल्यू, मैंने लिख दिया परसेंट डी, सो देखते हैं क्या होता है, जब मैं इसको रन किया तो वैल्यू ऑफ एज फोर आ चुका है, ओके। अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ अपने इसमें, अब आई वैल्यू ऑफ एज फोर एंड बी इज, बी की वैल्यू जैसे कि देख रहे हैं थ्री है, तो क्या करूँ मैं, वैल्यू ऑफ एज फोर तो प्रिंट हो रहा था, इसके आगे मैं थोड़ी मॉडिफिकेशन करूँगा एंड बी इज, बी की वैल्यू मैंने प्रिंट करानी, तो मैं क्या लिखूँ क्या परसेंट डी, या उसके बाद मैंने लिखा कॉमा बी, बेसिकली ये वाला परसेंट डी जो है या आप ये वाला फर्स्ट परसेंट डी लगा आपका ए के लिए एंड सेकंड परसेंट डी लगा आपका बी के लिए, ओके। तो उन दोनों को कॉमा से सेपरेट किया मैंने, तो प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ मैं, क्या है वैल्यू ऑफ ए इज फोर एंड बी इज थ्री, ओके। नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं इनका सम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, बेसिकली मैं चाहता हूँ, सो इसमें मैं करता हूँ मॉडिफिकेशन, सम ऑफ फोर एंड थ्री इस, फोर और थ्री का सम कितना था सेवन, मैं ऐसा जाता हूँ, ओके। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे सम ऑफ फोर, चाहता हूँ मैं फोर प्रिंट हो तो मैं लिखूँगा परसेंट डी, एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ थ्री प्रिंट हो तो मैं लिखा परसेंट डी, उसके बाद ऑफ इस, और चाहता हूँ मैं उन दोनों का सम प्रिंट हो, मतलब कोई वैल्यू प्रिंट हो तो मैंने लिखा परसेंट डी, क्योंकि सारे इंटीजर हैं। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट परसेंट डी लगा ए के लिए, सेकंड लगा बी के लिए एंड थर्ड परसेंट डी लगा जो उनका सम देगा, तो बेसिकली मैं कॉमा डाल के लिख देता हूँ ए प्लस सी, ये ठीक है। सो अब देखते हैं, आया सम ऑफ फोर एंड थ्री सेवन, हम यही चाहते थे आउटपुट स्क्रीन में, देखिए पहले परसेंट डी लगाया हमने इस ए के लिए, फिर अगला परसेंट डी लगाया हमने इस बी के लिए एंड नेक्स्ट परसेंट डी लगाया हमने ए प्लस बी के लिए। सो परसेंट डी फंक्शन
आपको क्लियर हो चुका है। वैसे ही परसेंट एफ के लिए हो सकता है, अगर हम फ्लोट वैल्यू लेंगे तो परसेंट एफ लगाएंगे, कैर वैल्यू लेंगे तो परसेंट सी लगाएंगे, एंड डबल वैल्यू लेंगे तो परसेंट एल एफ लगाएंगे। ये डिफरेंट यूज थे आपके, सो हम इसको एक ओवरव्यू से देख लेते हैं। बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने जैसे आपको बता दिया, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, इंट के लिए, फ्लोट के लिए, कैर के लिए, डबल के लिए। एंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट का क्या यूज़ बताया मैंने आपको, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन और वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल का अगर आप चाहते हैं वो प्रिंट हो तो ये किया मैंने, एक वेरिएबल जो बनाया था ए बी उसको प्रिंट करना था। देखिए सिंटेक्स देख लीजिए एक बार फिर से, अगर आपको नहीं हुआ तो नोट कर लीजिए इसको। प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंट डी एंड सी लिखा था लास्ट में सेमी कॉलन, तो आउटपुट स्ट्रिंग कैसे आएगी, रिजल्ट इज 5। ओके सो थैंक यू। अगर आपको लगता है ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू।